चलो रिपु, कल हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की स्पेलिंग्स। तो फर्स्टली रिपु मुझे वो ही लिख के दिखाओगे आप? ठीक है, ओके ओके। मैं चलो अपनी कॉपी पे स्पेलिंग्स लिख के दिखाना। ओके जगह कल रिपु मैंने आपको कोई वर्क भी किया करवाया था ना? यस रिपु, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के अलावा कुछ और भी दिया था आपको मैंने? यस मैम, सिंगुलर प्लूरल। यस ओके। चलो आज उसको एक बार रिवीजन में भी पूछ लेंगे, ठीक है? फिर हम मैच करेंगे आज। जे ए एन ए वी ए एन ओ ए जी ए एन ए एन ए एन एन ए जनगणमन और वी ए एन डी वंदे माँ मैं आम आस्या आस्याम, मातरम में आस्याम आएगा तुम्हारा। मैं म म हाँ, तो मैं से कौन सा फोनिक बनता है हमारा? एम एम वेरी गुड, एम। ए टी वंदे मातरम ए आर ए एम वेरी गुड, करेक्ट, ओके वेरी गुड। चलो रिपु, ये तो हो गया आपके लिए नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, आपने मुझे लिख के बता दिया। ओके, नेक्स्ट वन जो आपको अब होमवर्क के लिए रहेगी, स्पेलिंग्स याद करने के लिए, वो होंगी एक तो नेशनल एंथम किसने लिखा, हु रोट द नेशनल एंथम। ओके, एक क्वेश्चन ही होगा, तो वो आपका आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? नेशनल एंथम किसने लिखा और एक बताती हूँ, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर की करोगे और किसकी करोगे, सेकेंड वन इज नरेंद्र मोदी। बस टू स्पेलिंग याद करनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हु रोट द नेशनल एंथम, ठीक है? क्लियर? यस रिपु, मैम ये आपने क्या लिखा है अभी तो रविंद्र लिखा, अभी तो आधा ही लिखा मैंने, छोड़ दिया बीच में, मैंने तो आपको ऐसी बता रही थी। अरे रविंद्र, RABINDRA, रविंद्र नाथ टैगोर, INATH TAGORE, ठीक है? ठीक है रिपु। हाँ, तो रिपु कल को आप रविन्द्रनाथ टैगोर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों की स्पेलिंग्स याद करके लाओगे, ठीक है? मैम एक मिनट, हाँ बोलो। MAUSE बड़ा बड़ा दिख रहा था। बड़ा बड़ा दिख रहा था। अच्छा चलो रिपु, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ आपसे। किसके, जो सिंगुलर एंड प्लूरल थे, ठीक है? अब नो मैं अलग से पूछूंगी वो वाले क्वेश्चंस। मैम आप लिखना मत, लिखू नहीं तो बताओगे कैसे मुझे? मैं ऐसे बना दूंगा।
अच्छा चलो, अच्छा चलो ऐसी बताओ मुझे कि ई एस हम किस किस में लगाते हैं, चलो ये बताओ सिर्फ ई एस किस किस में लगाते हैं, जिसके लास्ट लास्ट वर्ड में हमें क्या दिखता है, बताओ क्या क्या दिखता है लास्ट वर्ड में। लास्ट वर्ड में क्या क्या दिखता है? हाँ आप बताओ आप बताओ, मैम, आप लिख दो वो। मैं लिख दूंगी तो तुम कैसे बताओगे। आप लिख दो ना। अरे देखना वो पूछ रही हूं मैं, जैसे एस ई एस किस में लगाते हैं जब हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे, और हम ई एस किस में लगाते हैं ये पूछ रही हूं मैं आपको, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करोगे और ई एस किस किस में लगाओगे, जिसमें हमारे लास्ट वर्ड में क्या क्या शो हो रहा होता है, एक्स और बोलो ओ ओ, वेरी गुड एस वेरी गुड, एच सी एच, सी एच आई नो हाँ सी एच होता है, देखो मैंने तुम्हें एक वो दिया था कैच, CATCH कैच, तो उसमें लास्ट वर्ड सी एच है। सी एच हाँ मैच देखो, मैच MAT डबल एस डबल S, और सिंगल S भी होता है, ठीक ठीक है सिंगल S भी, क्लियर है, तो X O S H C H S S S। अब अच्छा मैं रिपू इसका सब मिक्स करके पूछूं, बताओगे। नो अरे अच्छा से मिक्स करके पूछने का मतलब यह है कि मैं आपसे सिंगुलर और प्लूरल पूछूंगी, आपको मुझे आंसर देने है कि इसमें एस लगाना है या ई एस, ठीक है। तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, एकदम मना कर देते हो, तुम्हें सब पता है, घबराते हो चीजों से। चलो फर्स्ट वन लेते हैं हम, यस मैम। ओके करें स्टार्ट। नो चलो चलो फर्स्ट वन लेते हैं हम, यहां लिखेंगे हम सिंगुलर। रिपु आपको लिखना नहीं है सिर्फ बताना है, ठीक है, कि मैं SINGWLR सिंगुलर, सिंगुलर मींस होता है, SINGULAR मैम, इसमें तो कोई वर्ड ही नहीं है लास्ट में। अरे ये तो ऐसी लिखा है मैंने, सिंगल मीन्स होता है वन और प्लूरल मीन्स होता है मैनी। अब दूंगी वर्ड्स तो अब दूंगी, अभी कहाँ दिए मैंने तुम्हें। MANY चलो ONE सी लगा दिए चारों तरफ। अब स्टार्ट करूं मैं, नो नहीं चलो पहला है LION, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आप मुझे बताना, ठीक है ओके। नेक्स्ट वन इज CAT, बोलो ये भी एनिमल ही हो जाएंगे सब, बोलो। एनिमल मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि रिपू मुझे बताएंगे। मैम, आप क्यों लिख रही हो मैम? देख मैम, ये बिल्कुल तो ये ओ है। ध्यान ध्यान से देखना, ठीक है। कैच CATCH, मैच भी हो सकता है कैच भी हो सकता है, और मैच FOX फॉक्स, BU, BUS, दोनों मिक्स है रिपू, ठीक है ओके। नेक्स्ट वन इज
कोई और चलो रिपु बताओ, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, एस एंड यस? एस कैसे आएगा यस? ओ एस में ओ ओ ओ नहीं रिपु, हमें लास्ट देखना है बेटा, लास्ट आएगा तो इसमें ला रिपु लास्ट देखो क्या लिखा है, LION। ना तो इसमें देखो, सुनो, X S S S C H S H O, ठीक है? अगर इसमें से कुछ भी शो होगा, इसमें से कुछ भी शो होगा तब ही आप लिखोगे ES, नहीं तो आपको सब में S लगाना है, ठीक है? चलो अब आपको इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में N है, तो क्या एस 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 सी एच एस एच ओ में से कुछ शोर है? बोलो नहीं रिपो, कुछ शोर है एन में? ऐसे नहीं, हमारा कंप्यूटर है तो हमारे हम करेंगे इसको वीडियो बताओ मैं कुरान के आगे क्या आएगा, लाइन के नहीं। आगे बताओ। एन लिखा है, लास्ट हमारा अल्फाबेट एन है, तो एन क्या इनमें से कुछ इशू हो रहा है? नो मैम नहीं हो रहा, तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे और ईएस, क्योंकि ईएस सिर्फ इनके लिए लगता है। बताओ अब, एस लगाएंगे या ईएस? यस नहीं रिपू, एन कहाँ शो हो रहा है, ईएस वालों में दिख ही नहीं रहा एन। मैम इधर भी कोई एस हम बेटा बस सिर्फ लास्ट वाला देखते हैं, सिर्फ लास्ट वाला, आप सिर्फ लास्ट देखो। हाँ बोलो। मैम एस और एच के बाद में भी कोई वर्ड है क्या? एस और एच के बाद में सिर्फ ये कॉमा लगा के मैंने ओ लिखा है, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है? कॉम्बो कॉमा लगा हुआ है, यानी ये दूसरा है। बताओ इसमें एन कहीं शो हो रहा है, इनमें से कहीं देख दिख रहा है आपको? नो नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे लॉइंस, LION S। बेटा इसमें जिसमें भी आपको लास्ट वर्ड, यानी लास्ट वाला वर्ड जो अल्फाबेट है वो आपको शो होगा, या तो एक्स एस 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 तभी लिखना ES, नहीं तो नहीं लिखना, ठीक है? अब ये बताओ, CHAIR लास्ट लिखा है आर, क्या लगाएंगे, एस और ES? एस एस एस, वेरी गुड, CHAIR। चलो नेक्स्ट, ये हमें यहां पर CH दिख रहा है, देखो CH इसमें है कहीं, यस मैम तो क्या लिखेंगे, यस CAES, CATCHES। अब कुछ क्लियर हुआ? चलो अब लास्ट वाला देखो, इसमें क्या लिखा है लास्ट वाला, एक्स, एक्स हमें शो हो रहा है ईएस वाले में? एक्स कुछ हो रहा है ना? यस मैम तो क्या लगाएंगे, यस वेरी गुड, OXES, यस आएगा क्लियर। एस आएगा इसमें एस नहीं आएगा रिपू, देखो लास्ट हमें एस, मैंने आपको एस भी बता रखा है, एक देखो, एक तो एक्स है, एक तो ये एक्स है, एस है, एस एस है, CH है, एस एच है और ओ है, इन सब में हमें ये एस लगाना है। हमें लास्ट क्या शो हो रहा है, एक्स, एक्स हमारे ई एस के लिए है, ठीक है? लास्ट हमारा क्या शो हो रहा है, एस, तो हम क्या लगाएंगे, BUSES, बसेस, वर्सेस ठीक है? चलो टॉय, टॉय हमारा, इसमें वाई हमारा कहीं शो नहीं हो रहा, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो क्या लिखोगे, आएस और ईएस? एस एस वेरी गुड, एस। चलो इसमें टी दिख रहा है लास्ट में, एस आएगा और ईएस? एस 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 वेरी गुड, चलो थोड़े से और ले लेते हैं।
दो। अरे हाँ, फिर एक बार भूल गए ना तो फिर दोबारा याद नहीं आएंगे। डॉग। अच्छा, और कौन सा है? एक सेकंड। DEE। अच्छा, DOG डॉग। और ऑक्स ले सकते हैं हम। बॉक्स, ऑक्स, ऑक्स और बॉक्स ऑक्स। ऑक्स सेम है। एक बॉक्स सेकंड। ऑक्स भी OS O X है। और वो भी ऐसे ही है। ओ एक्स ऑक्स ओ ब्रश, ब्रश और स्नेक। आई कप। एंड बस। बस तो ले लिया ना, और कौन सा ले सकते हैं? कैच, मैच। ओके, मैच ले लेते हैं। मैच तो ईएससी है। अच्छा अरे भाई, तुमने ये तो बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। चलो डॉग वाले के लिए बताओ, एस और ईएस। वेरी गुड। ऑक्स, ऑक्स ऑक्स का लास्ट क्या दिख रहा है? जान दे। देखो रिपु, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है एक्स शो हो रही है इस वाली लाइन में। नहीं रिपु, लुक एक्स। तो क्या लिखेंगे? ई एस ओ एक्स ई एस। चलो ब्रश, एस एच शो हो रहा है, क्या लगाएंगे? ब्रश। हाँ ब्रश, ई एस। वेरी गुड। BRUSHES। स्नेक, इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो क्या लिखोगे? SNAKEES। वेरी गुड। आई, आई में भी हमारा नहीं होता। एस YEYES। कप। हाँ रिपू, ES फिर से बन गया। ES फिर से ई एस। ये तो अपने आप बन गया ना। आई मीन्स होता है आंख, EYE मीन्स आंख, है ना? और उसके आगे अब आपकी एक आंख होगी, सिंगुलर आंख होगी, तो आप बोलोगे आंख। और आप इसको बोलोगे ई वाई, इसके आगे दो एक एक एस लगा दोगे तो आंख ही हो जाएगा, यानी आपकी टू आईज के बारे में बात हो रही है। क्लियर? चलो कप, कप का कप का कपे। अरे कपे नहीं है वो, देखो कप्स आएगा या KUCUPE एस आएगा या एस आएगा, ये बताओ बस। ई एस आएगा और यस। कप्स 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 कप्स। वेरी गुड। मैच, वो तो तुमने पहले क्लियर कर दिया। MATCH। एस लिखूं ई एस? कप क्या शो हो रहा है CH का इसमें आपका? सी एच हो रहा है ना ई एस वाली के लिए, तो बस ई एस लगाएंगे। ठीक है, चलो पहले आज थोड़े से एडिशन के और आसारे सम्स करते हैं। तुम्हें तो बीच बीच में हर 4 डेज में कराने पड़ते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। चलो एडिशन करेंगे कैरी वाले, सब्सट्रैक्शन करेंगे बोरोइंग वाले। ठीक है,
और मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आ पता है ये कैसे करनी है हमें, अभी मैंने वो आपको वो करवाई नहीं कैरी वाली। चलो फर्स्ट वन इज एडिंग, मैम कैरी तो करवाए हैं ना मुझे। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करवाया है रिपू अभी मैंने आपको, वो मैं आपको शुरू करवाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कराया, वो क्लास सेकंड में, सेकंड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन है बट कैरिंग नहीं है अभी, तो वो क्लास सेकंड से है, पर मैं आपकी स्टार्ट करवा दूंगी, पहले ये ही रिविजन वर्क हो जाए। तो एडिशन विथ कैरिंग मैं चाहती हूँ पहले इसमें बिल्कुल ऐसे हो जाओ तुम कि जल्दी जल्दी करना सीख जाओ इन्हें। रिपू इतने दिन हो गए, अब तो आपको टेबल्स करते करते अब तो रट गई होंगी, नहीं किसी दिन भी टेस्ट होने वाला है बस। नो मैम, हाँ अच्छा नो। फोर लिखो, फोर बोर्ड पे तो कर नहीं पाओगे। नाइन मैम, नाइन 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 नाइन। अच्छा फिर से काउंट कर लेना, नो मैम, मैंने पहले लिख दिया रिपू, एडिशन विद कैरिंग, यानी टेन से तो स्टार्टिंग ही रहेगी इसकी, टेन से कम तो जाएंगे ही नहीं क्वेश्चंस। ठीक है, छेड़ा है क्या तूने? झूठ मत बोलना रिपु। मैं फिर से ज्वाइन करवा दो। फिर से ज्वाइन करवा दो मैं मुझे। फिर से ज्वाइन करवा दो। मैं पापा की ज्वाइन करवा दो। क्यों क्यों करवा